गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो पीपीटी दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए लास्ट क्लास में अभी तक हमने कैनाल के बारे में क्या क्या पढ़ाया, कौन बताएगा? कैनाल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ाया अभी तक सर? टाइप्स ऑफ कैनाल्स, फिर उनका क्रॉस सेक्शन वो चीज पढ़ चुके हैं सर। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल पढ़ा था हमने, अलग अलग बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन था, ठीक है? यस सर। हाँ, क्लासिफिकेशन और क्रॉस सेक्शन दो चीज हो चुके हैं। हाँ, और फिर क्रॉस सेक्शन हमने देखा था कि एक कैनाल के क्रॉस सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट है, उनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है, और एक्चुअल में वो कहाँ एग्जिस्ट करते, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कंपोनेंट समझ में आया सबको? क्या बर्म होता है, क्या बैंक होता है, बैड विड्थ क्या होती है, ठीक है, स्लोप क्या होता है, साइड स्लोप जिससे हमने डिस्कस किया था, तो ये सब चीजें क्लियर है आपको सबको? यस सर। चलिए, आज का इम्पोर्टेंट क्लास इसलिए आज हम पढ़ते डिजाइनिंग के बारे में कि ये जो हमने चैनल्स हमने जो पढ़े हैं, जो केनाल हमने पढ़ी है, इनकी डिजाइनिंग कैसे की जाती है उसके बारे में समझते, ठीक है? फिर इसके बाद में हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। प्रोसीजर पढ़ने के बाद में हम पहले इसके बारे में फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? तो आज की इम्पोर्टेंट क्लास है, आज और कल दो क्लास इम्पोर्टेंट है जिनमें इन जो चैनल की डिजाइनिंग है उसके बारे में। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा एल्यूवियल चैनल डिजाइन। तो एल्यूवियल चैनल डिजाइन का मतलब है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एल्यूवियल चैनल क्या होता है, ठीक है? एल्यूवियल और नॉन एल्यूवियल दो तरह के चैनल होते हैं आपके। बेसिकली एल्यूवियल चैनल आपके वो चैनल होते हैं जिनमें जो सिल्ट वहाँ पे जो प्रेजेंट है ना, वो जो सिल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, लेट्स सपोज कि आपकी हुई कोई भी कैनाल है, ठीक है, इस कैनाल के अंदर आपकी जो सिल्ट प्रेजेंट है, ये सिल्ट जो है आपकी, ये एल्यूवियल सॉइल के ऊपर बनी हुआ। अगर एल्यूवियल सॉइल आपकी क्या कहलाती है? एल्यूवियल सॉइल आपकी वो कहलाती है कि यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो सॉइल प्रेजेंट है, ये क्या होता है आपने कि जैसे आपका वाटर के साथ में सेडिमेंट जो है, सिल्ट जो है वो फ्लो करती है, ठीक है? वाटर के साथ में सिल्ट जब आपकी फ्लो करेगी तो उस केस में क्या होगा, एक जगह से तो क्या होगा, वेदरिंग एक्शन होगा, दूसरी जगह पे जाके क्या होगा, वो सिल्ट क्या होगी, डिपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ऐसी जो सिल्ट होती है जो वेदरिंग एक्शन की वजह से एक जगह से उसका इरोजन हुआ और दूसरी जगह पे जाके वो सिल्ट जमा हो गई, वो जो सिल्ट होती है आपकी, वो जो सॉइल होती है आपकी, वो कहलाती है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है? और जो सिल्ट आपकी ये जो ट्रांसपोर्टेशन और ये जो वेदरिंग एक्शन की वजह से फॉर्म नहीं होती है, वो अपने आप में स्टेबल सिल्ट होती है, ठीक है? चाहे वो रॉक मटेरियल की आप बात कर ले, कोई भी रॉक मटेरियल है वहाँ की जो सॉइल है वो बात कर ले आप, ठीक है? तो जितने ये आपका जो डेल्टा रीजन की जो होती है, तो ये आपकी क्या है बेसिकली, को नॉन एल्यूवियल सॉइल होती है, ठीक है? और एल्यूवियल सॉइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह सिल्ट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, सेडिमेंटेशन की वजह से फॉर्मेशन होता है। तो हम पहले बात कर रहे हैं एल्यूवियल चैनल रीजन, ऐसे एल्यूवियल जहाँ पे जो सॉइल जो प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं एक जगह से और दूसरी जगह डिपोजिटेड होते हैं, क्योंकि इसमें जो लॉस ऑफ सीपेज होता है आपका वो ज्यादा होता है। दोनों की आपकी डिजाइनिंग होती है वो अलग अलग टाइप से डिजाइनिंग होती है, ठीक है? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्यूवियल चैनल की डिजाइन। समझ में आया एल्यूवियल और नॉन एल्यूवियल क्या होता है कॉन्सेप्ट? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी डिजाइनिंग समझने से पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्लियर है सबको एल्यूवियल और नॉन एल्यूवियल चैनल? यस सर। चलिए अब हम देखते हैं बेसिकली आपका कि अब एल्यूवियल चैनल की डिजाइन बेसिकली आपकी दो तरह से होती है, ठीक है? पहला जो है आपका, दो साइंटिस्ट होते हैं, एक कैनेडी साइंटिस्ट था और एक लेसी साइंटिस्ट था, दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी दी इनके डिजाइनिंग के लिए, ठीक है? पहले हम कैनेडीज की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कैनेडीज के बाद में इसके जो ड्रॉबैक्स आए, कुछ कुछ डिसएडवांटेज थे इसके, ठीक है, उनको लेसी ने, जो दूसरा साइंटिस्ट था, उसने इनको क्या करा, ओवरकम करा। तो इनके बारे में पहले कैनेडीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? कैनेडीज पढ़ने के बाद में फिर हम लेसीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कैनेडीज, आर जी कैनेडी एक इंजीनियर हुआ करते थे, ठीक है, 1895 की बात है ये,
तो उन्होंने बेसिकली इसके लिए डिजाइनिंग की जो बात करी वो उसके लिए बात करी। एक आपकी कैनाल होती है, दैट इज द अपर बारी डोआब कैनाल। ये पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां से जो चेनाब जो रिवर है आपकी, वहां से निकलने वाली कैनाल होती है, ये जो कैनाल होती है अपर बारी डोआब कैनाल। इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करा बहुत सारा, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करा। इन्होंने ऐसे ऐसे पोर्शन देखे जैसे कैनाल के वो सेक्शंस लिए जिनमें कि सिल्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, नॉन सिल्टिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। उनके बारे में डिस्कस किया कि एक्चुअल में नॉन सिल्टिंग हो क्यों रही है, क्या वजह है इसकी कि इस कैनाल का कुछ पोर्शन है जिसमें सिल्टिंग की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अगर ये हमारी कोई भी कैनाल है तो इसके कुछ पोर्शन में सिल्टिंग की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे कुछ पोर्शन है जो नॉन सिल्टिंग का पोर्शन है। तो इन्होंने उस नॉन सिल्टिंग वाले पोर्शन की स्टडी करी कि एक्चुअल में इसके पीछे क्या लॉजिक है कि यहाँ जो है आपका सिल्ट डिपोजिशन नहीं हो रहा है। वाटर का फ्लो तो वही है लेकिन यहाँ डिपोजिशन नहीं, और यहाँ बहुत ज्यादा सिल्ट का डिपोजिशन भी हो रहा है और इरोजन भी हो रहा है। एक जगह से इरोजन होता है और दूसरी जगह से डिपोजिशन होता है। ये चीज आपको उन्होंने डिस्कस किया। तो उन्होंने जब डिस्कस किया तो उनको ये पता चला कि एक्चुअल में ये जो मेरा कैनाल का सेक्शन है, इस कैनाल के सेक्शन में मेरे को एक ऐसा वेलोसिटी का वाटर मेंटेन, वाटर की वेलोसिटी इतनी मेंटेन करनी पड़ेगी कि ना तो देखिए हायर वेलोसिटी अगर आपकी होगी, ज्यादा स्पीड से अगर आपका वाटर आएगा तो ये जो बॉटम सरफेस है, ये बॉटम सरफेस है, इसका क्या होगा, इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इरोजन का मतलब है सॉइल पार्टिकल यहाँ से इरोजन होके और वाटर के साथ में फ्लो करने लग जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा स्लो है तो उस वाटर के अंदर जो भी सिल्ट कंटेनर है वो आके यहाँ पे डिपोजिट होने लग जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको। वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे इरोजन। और अगर ज्यादा स्पीड से अगर आपका आ रहा है तो जो सोयल सिल्ट आ रही है वो तो आ ही रही है, प्लस एडिशनल जो सिल्ट चार्ज है वो यहाँ से एक्सकेवेट होने लग जाएगा। ठीक है, और अगर उसकी वेलोसिटी, अगर उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी तो यहाँ पे आके वो सिल्ट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टडी उन्होंने करी। अब उन्होंने एक चीज करी कि ये तो वहां पता करा जहाँ पे एक्चुअल में स्कोरिंग की प्रॉब्लम हो रही है, सिल्टिंग की प्रॉब्लम है। अब उसने उस एरिया को स्टडी करा जहाँ पे सिल्टिंग नहीं हो रही थी कि भाई यहाँ ना तो डिपोजिशन हो रहा है और ना स्कोरिंग हो रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब उन्होंने ये पता करा कि एक्चुअल में जो नॉन सिल्टिंग की जो कंडीशन है, उस नॉन सिल्टिंग की कंडीशन में यहाँ पे एक वर्टिकल एडीज आपकी फॉर्म होती है, जिसे हम लहरें जो आपका कह सकते हैं ना, एक वर्टिकल, जैसे जैसे वाटर आपका इसके बेड लेवल के साथ में जब फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वर्टिकल एडीज जनरेट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। जो आप ये एरो के देख रहे हैं ये वर्टिकल एडीज को डिनोट कर रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक वर्लिंग एक्शन होता है, घूमता हुआ मोशन, जो आपने देखा होगा फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ा है वर्लिंग एक्शन। तो वाटर का वर्लिंग एक्शन की वजह से यह एडी जनरेट हो रही है, और ये एडी जो है ना ये आपकी सॉयल को ना तो यहाँ डिपोजिट होने दे रही है और ना ही आपकी ये जो सॉयल है, एक मिनट, ना तो ये एडी जो है आपकी सॉयल का डिपोजिशन होने दे रही है और ना इरोजन होने दे रही है। ठीक है, तो उन्होंने ये पता करा, तो इसीलिए कहा कि वर्टिकल एडीज जनरेटेड फ्रॉम द बेड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द सिल्ट इन सस्पेंशन। ना तो ये उसके साथ में फ्लो हो रहा है
इरोजन हो रहा है और ना यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है, वो केवल आपके वाटर के साथ में सस्पेंड ही है, मतलब यहाँ पे उसका सस्पेंडेड फोर्स मोशन है, सस्पेंशन में है, या ना तो यहाँ से इरोजन हो रहा है और ना ही उसका डिपोजिशन हो रहा है। वो किस वजह से? द रीजन बिहाइंड इज द जनरेशन ऑफ वर्टिकल एडीज। क्लियर है, समझ में आया क्यों नहीं से नॉन सिल्टिंग की प्रॉब्लम हो रही थी? कैनेडी का जो मेन रिसर्च है वो यही है, उसने यही पता करा कि एक्चुअल में क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। समझ में आया वर्टिकल एडीज का? चलिए अब हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कैनेडी ने एक वेलोसिटी दी, एक क्रिटिकल वेलोसिटी दी। क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी वो वेलोसिटी है जिससे अगर आपका वाटर फ्लो करेगा तो ना तो वी नोट की वैल्यू से अगर आपका वाटर फ्लो हो रहा है तो ना तो यहाँ पे उसका स्कोरिंग की प्रॉब्लम होगी, इरोजन होगा, और ना ही यहाँ पे सिल्ट का डिपोजिशन होगा, और यही हम चाहते हैं। देखिए दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज है। अगर आपका डिपोजिशन हो रहा है, लेट सपोज पहले बात करते हैं कि सिल्ट का डिपोजिशन हो रहा है, सिल्ट का डिपोजिशन हो रहा है तो इस तरह से आपका बेड लेवल हो जाएगा, मतलब इस कैनाल का डिपोजिशन होने की वजह से क्या होगा, इसकी वाटर कैरिंग जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होगी डिपोजिशन की वजह से। अगर आपका इरोजन की प्रॉब्लम आती है, लेट सपोज, तो इरोजन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसका बेड लेवल डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी तो देयर विल बी लॉस ऑफ हेड, या जो हेड लॉस होगा, और हेड लॉस की वजह से इसके आसपास का जो कमांड एरिया है, मतलब जहां पहले वाटर यहाँ तक कमांड जो इसकी सप्लाई होती थी वो, अब वो कमांड एरिया रिड्यूस हो जाएगा यहाँ बेड विड्थ आपकी इंक्रीज होने की वजह से। तो ना तो स्कोरिंग की प्रॉब्लम सुटेबल होती है और ना डिपोजिशन की प्रॉब्लम। तो हमको क्या करना है, उस सिल्ट को सस्पेंशन में ही रखना है, जहां से आइए तो वो वाटर के साथ में फ्लो होती हुई चल जाए, ना स्कोरिंग हो और ना आपका डिपोजिशन हो। तो इसलिए इन्होंने एक क्रिटिकल वेलोसिटी दी कि इस क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ में अगर आपका वाटर फ्लो करेगा तो आपका सॉयल है, जो सिल्ट है वो सस्पेंशन में रहेगी। अगर इससे कम हुआ या इससे ज्यादा हुआ, अगर आपकी एक्चुअल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुई तो देयर विल बी स्क्योरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आपकी जो एक्चुअल मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हुई तो वहां आपका जो सिल्ट पार्टिकल या सिल्ट चार्ज उसके साथ में जो फ्लो कर रहा है वो क्या करेगा, वो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है, क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब समझ आया? यस सर। कोई डाउट है कैनेडी की थ्योरी? ये कैनेडी का बेसिक कॉन्सेप्ट, अब डिजाइनिंग है, अब फॉर्मूला है, लेकिन कैनेडी की थ्योरी क्या कहती है वो आपको समझ में आई कि वर्टिकल एडीज का कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या चीज है, ठीक है? यस सर। चलिए फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला बेसिकली आपका जो है वो फॉर्मूला तो ये है, वी नॉट इज इक्वल टू सी डी की पावर एन, या सी जो है वो आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और एन जो है यहाँ पे वो इंडेक्स नंबर है। लेकिन हम जो अपर डोआब के लिए अगर हम बात करते हैं तो अपर डोआब के लिए उन्होंने सी की वैल्यू 0.55 और जो एन की वैल्यू है 0.6। तो हम जनरली जो फॉर्मूला यूज करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी का, वो आपका फॉर्मूला ये होता है, वी नॉट इज इक्वल टू 0.55 डी 0.64। डी क्या है, डी इज द डेप्थ ऑफ वाटर, दिस इज द कैपिटल डी, ठीक है, कितना जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपका जो फ्लो कर रहा है, दिस इज द कैपिटल डी। क्लियर है, तो ये आपका फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टू डिटरमाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये फॉर्मूला था केवल आपका अपर डोआब के लिए, लेकिन अब पूरे इंडिया में जितने भी आप कैनल डिजाइन कर रहे हैं तो वो अपर डोआब जैसी तो नहीं हो सकती, ना उसकी कंडीशन अपर डोआब जैसी हो सकती है, ठीक है। ये तो एक पर्टिकुलर कैनाल के लिए था, तो आप सबके लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करना चाहता। तो उन्होंने क्या करा, फिर सबके लिए इस फॉर्मूले को जनरलाइज करके यहाँ पे इस फॉर्मूले को उन्होंने चेंज करा, और चेंज करने के बाद में एक जनरलाइज फॉर्मूला तैयार करा, दैट इज द v इज इक्वल टू 0.55 स्मॉल m d की पावर 6.4। फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे जो आपका स्मॉल m है, इस स्मॉल m को इन्होंने ऐड कर दिया, और ये स्मॉल m क्या है आपका, स्मॉल m है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो मतलब कि cvr स्मॉल m इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, और डिनोट करता है क्या कि एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है डिवाइडेड बाय क्रिटिकल वेलोसिटी। m की वैल्यूज आपके गिवन में वेरी करती है, m की वैल्यू जो है आपकी वो 0.8 से लेके और 1.2 तक होती है, ठीक है। देखिए अलग अलग टाइप की सैंड के लिए डिपेंड करता है, जितनी भी आपकी सिंध कैनाल्स होती है उनके लिए 0.85 लिया जाता है इसको,
अगर आपका फाइनर सैंड है, फाइन सैंड है, तो उसके लिए 0.7 to 0.9, और अगर आपकी कोर्स सैंड है तो उसके लिए 1.1 to 1.2। ये वैल्यू है आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो की, ठीक है। तो हमने क्या करा, उन्होंने जो कंडीशन है उसको मॉडिफाई करके अब जो आपका यूनिफॉर्मली जो एडोप्टेड जो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी के जो इक्वेशन है वो ये है, V = 0.55 m d की पावर 0.64, ठीक है। m इज द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो एंड d इज द डेप्थ ऑफ वाटर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब हम देखिए आगे चलते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की इक्वेशन हमने पता कर ली, और हमने ये भी पता कर लिया कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है वो क्या है, और क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू आपकी अलग अलग टाइप के सैंड के लिए अलग अलग होती है। अब देखिए और कुछ टर्म्स इन्होंने यूज करी है। एक होता है आपका आर, कैपिटल आर होता है, कैपिटल आर है आपका रिगिडिटी कोएफिशिएंट। देखो क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी वी नोट की वैल्यू तो उन्होंने दे दी, ठीक है। वी नोट की वैल्यू तो कैनेडी ने दे दी कि 0.55 m d की पावर 0.64, ठीक है, ये क्रिटिकल वी नोट। एक्चुअल में देखिए m के मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, m के लिए मेरे पास क्या है, v अपॉन वी नोट होना चाहिए, क्लियर है। m इज इक्वल टू v अपॉन वी नोट, एक्चुअल वेलोसिटी बटे क्रिटिकल वेलोसिटी। अब v कैसे, v के लिए कटर्स की इक्वेशन होती है। कटर्स की इक्वेशन आप देखते हैं, ये कटर्स एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक्चुअल में मीन वेलोसिटी के लिए चैनल के लिए मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया। ये बड़ा ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका कटर्स की इक्वेशन का। आवाज आ रही है आपको सबको? यस सर, यस सर, यस सर। नवदीप, यस नवदीप सर, आवाज में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए कर रहा था। अब हो रही है, अब सही है सर, वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए कर रहा था। ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो ये आपको v का जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, कटर इक्वेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में कई बार वो आपको कटर इक्वेशन यूज करने के लिए कहेगा कि यूजिंग द कटर इक्वेशन, कई बार वो कहेगा कि चेजीज, एक चेजीज का होता है आपका, चेजीज का कोएफिशिएंट v इज इक्वल टू आपका जो होता है वो होता है c डॉट रूट r s, ये आपका है चेजीज को, चेजीज दे गया हुआ इक्वेशन, ये कटर्स ने दिया है और ये चेजीज ने दिया है। यहाँ देखिए क्या है, सी, सी इज द चेजीज कोएफिशिएंट, तो वहां क्या करा उसने, डायरेक्ट सी की वैल्यू दे दी, तो आप सी की वैल्यू रख के आर एस आपको डिटरमाइन कर रहा हूँ। यहाँ भी वही है, आप फॉर्मूले को देखेंगे तो ये वैल्यू इसने सी की वैल्यू भी कैलकुलेट करा दी, ये आपका सी है, सी डॉट आर एस, तो फॉर्मूला ये भी वही है, लेकिन चेजीज ने सीधा सी की वैल्यू दी है और जो कटर से उसने सी को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। फॉर्मूला ये भी आपका सी डॉट रूट आर एस ही है, लेकिन ये सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। हम कटर्स की इक्वेशन में देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स है। अब हमको वी के वैल्यू निकालने, तो इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या ये, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एस की। एस आपका क्या होता है, एस इज इक्वल टू साइड स्लोप, क्या है यहाँ पे एस, एस इज इक्वल टू साइड स्लोप, आपने देखा होगा, हमने उस दिन पढ़ा था क्रॉस सेक्शन में स्लाइड साइड स्लोप। साइड स्लोप पता है सबको? यस सर। चलिए तो एस की वैल्यू साइड स्लोप है। आर क्या है, आर है आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है। आर इज इक्वल टू आपका होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो आपका होता है वो होता है एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, आर इज इक्वल टू ए बाय पी, ठीक है। आप चैनल का जो आपका क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, और P इज इक्वल टू वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर समझते हैं आप क्या होता है, ओवरऑल पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल पेरीमीटर तो आपका चैनल का पूरा ये होगा, ये प्लस ये, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हो गया आपका ओवरऑल पेरीमीटर। लेकिन वेटेड पेरीमीटर में आपका क्या है, वेटेड पेरीमीटर में केवल वही सरफेस काउंट करी जाती है साइड जो वाटर के कॉन्टेक्ट में, ये प्लस ये प्लस ये आपकी जो होगी ये पी होगी वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर इज कैलकुलेटेड बाय ए बाय पी, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। आर हमको पता चल गया वेटेड पेरीमीटर, एस हमको पता चल गया साइड स्लोप, और एन क्या है, एन हमारा है कोफिशियंट ऑफ रिगोसिटी। तो एन की वैल्यू आपकी गिवन होती है, डायरेक्ट आपका
चैनल की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बहुत अच्छा अगर आपका चैनल है, चैनल इज इन गुड कंडीशन, देन एन की वैल्यू इज टेकन 0.0025. दिस इज एक्चुअली वेरीज फ्रॉम द 0.02 टू 0.03. ठीक है, 0.02 से 0.03 लेते हैं और वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर. तो लोएस्ट जो वैल्यू है वो 0.03 है और हायर जो वैल्यू है 0.02 है. ठीक है, तो तीन हमारे इसमें जो वेरिएबल्स है, एन कॉफिशियंट ऑफ रूडीजी डिपेंड करता है आपके कैसे किस मटेरियल से बन रहा है, चैनल की कंडीशन कैसी है, लाइनिंग प्रॉब्लम्स कैसी है, या कई बार ये सी पेज के डिस्चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर आपका 14 टू 140 क्यूमेक का डिस्चार्ज है तो इतना लेना होता है, अगर आपका डिस्चार्ज 140 280 है तो इतना लेना होता है, और मोर देन 280 अगर आपका है डिस्चार्ज तो उस केस में उसको 0.02 लिया जाता है. ठीक है, तो ये हमने, ये कैपिटल वी आपका क्या है, ये कैपिटल वी आपकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है बाय द कटर सिचुएशन. अगर आपका चेंजेस कोफिशिएंट की वैल्यू सी की वैल्यू देता है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं वी की वैल्यू सी डॉट रूट आर एस से. लेकिन अगर वो सी नहीं देता है तो आपको एन की वैल्यू गिवन होगी और एन की वैल्यू से आप आर कैलकुलेट करेंगे, ए बाई पी से एस वैल्यू रखेंगे, फिर वी कैलकुलेट करेंगे. और अगर चेंजेस देता है तो सी डॉट रूट आर एस. ये चीजें अभी आप समझ लीजिए केवल, बाद में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी. समझ में आई आपको कटर्स की इक्वेशन में कोई डाउट है किसी को? नो सर. चलिए ठीक है, तो ये आपका बेसिकली कटर्स ही. अब हम प्रोसीजर पढ़ते हैं कि कैसे एक्चुअल में इसकी डिजाइनिंग करी जाती है. ठीक है, कैसे जो है आपका ये सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी, देखिए कई बार आपके ग्राफिकल चार्ट्स होते हैं. ठीक है, अगर आपको साइड स्लोप गिवन है, आपको डिस्चार्ज अगर आपको गिवन है तो आपको एन की वैल्यूज यहाँ से ली जाती है. गैरेट्स के डायग्राम्स होते हैं आपका, यहाँ पे एक्चुअल में इसका कोई यूज नहीं, आपको ये चीजें कैलकुलेट ही करनी पड़ती है. ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट वी नोट की वैल्यू भी आप यहाँ से भी ले सकते हैं. अगर आपको साइड स्लोप पता हो, आपको डिस्चार्ज पता हो, आपको एन की वैल्यू के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमको यहाँ वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है, हम वही मेथड देखते हैं जो हम एक्चुअल में फॉलो करेंगे. ठीक है, चलिए अब हम प्रोसीजर, डिजाइन प्रोसीजर देखते हैं इसका कि कैसे डिजाइन किया जाता है. दो कंडीशन होगी, एक बार क्या होगा आपका न्यूमेरिकल है, आपको ये पता करना पड़ेगा पहले कि आपको गिवन क्या क्या है. ठीक है, केस वन है आपका, जब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है क्यू की वैल्यू. देखिए केस वन है आपका जिसमें आपको डिस्चार्ज गिवन होगा. ठीक है, आपको एन की वैल्यू गिवन होगी. एन आपका क्या था अभी हमने पढ़ा था पिछले उसमें, एन क्या था आपका? कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी. कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी क्लियर है एन का. तो आपको क्यू गिवन है, एन गिवन है, एम, एम व्हाट क्या था एम आपका यहाँ फॉर्मूले में, सीवीआर वाले फॉर्मूले में था एम क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो. क्रिटिकल वेलोसिटी, देखिए टर्म आपको समझनी पड़ेगी. ठीक है ना, एम आपका क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो था, एन आपका कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी था जो हम डिस्चार्ज टाइप ऑफ चैनल के बेसिस पे लेते हैं, क्यू आपका डिस्चार्ज हो, एस आपका क्या है साइड स्लोप. मतलब मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ कैसे आपका आता है. देखिए एक तरह से आपका ये एक चैनल है आपका. ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल देगा कि डिजाइन एन एल्यूवियल चैनल हैविंग द डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू, वो आपको क्यू दे देगा, क्यू इज इक्वल टू उसने दे दिया 16 क्यूमेक. ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 0.0025. उसने आपको वैल्यू दे दी एम की, क्रिटिकल वेलोसिटी इज द 1, क्रिटिकल वेलोसिटी एम इज इक्वल टू 1, और ये वेरी कितने से कितना करता था 0.8 to 1.2, तो उसने एम बराबर 1 दे दिया और कह दिया कि हैविंग द साइड स्लोप ऑफ 1:0.5. इस तरह से आपका न्यूमेरिकल दे देगा वो डिजाइन इरिगेशन चैनल. मतलब आपको क्यू की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है और एस की वैल्यू गिवन है. क्लियर है, यही हमने कहा कि व्हेन द क्यू एन एम और एस की वैल्यू आपको गिवन है तो उस केस में आप डिजाइनिंग का स्टेप समझिए. ये स्टेप बाय स्टेप है, आपको रट लेना है इसको. ठीक है, सबसे पहला है आपको कि आपको ये जो कैनाल का जो सेक्शन है, इस सेक्शन के आपको पहले डी एज्यूम करना है. ये जो डी है आपका,
ये डी अज्यूम करना है, ठीक है, खुद से अज्यूम करेंगे हम, हमने ले लिया लेट्स सपोज डी इज इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड है बेसिकली आपका ये, 1.2 मीटर आपने डी ले लिया, ठीक है, ये अज्यूम करा है हमने, गिवन नहीं है आपको, हमने डी को क्या करा, अज्यूम करा। अब डी की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली तो हम इससे क्या क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वी के फॉर्मूला क्या था हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का, 0.55 m डी की पावर 0.64। एम हमको पता है, कहाँ पता है, क्वेश्चन में गिवन है, डी हमने अज्यूम कर लिया, वो डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहां से, क्लियर है, क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। स्टेप बाय स्टेप है आपको, बस स्टेप टू स्टेप आपको याद रखना है, पहला आपको डी अज्यूम करना है, दूसरा आपने डी की वैल्यू यहां पुट करके आपने निकाल लिया इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी, फिर अब आपके पास में वी आ गई क्रिटिकल वेलोसिटी, तो आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया का पता आपको, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू इज इक्वल टू ए वी होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, क्यू आपको गिवन है डिस्चार्ज क्वेश्चन में, वी के आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया तो आपने एरिया निकाल लिया। स्टेप थ्री क्लियर है? यस सर। चलिए गुड, अब हम बात करते हैं एरिया अपन ने निकाल लिया। अब किसी भी देखिए ट्रेपेजोइडल सेक्शन का जो एरिया होता है आपका, आपको पता है यहाँ ट्रेपेजोइडल सेक्शन का जो एरिया है उस एरिया, वो एरिया आपका होता है ए जी इक्वल टू बी डी प्लस जेड डी स्क्वायर। जेड यहाँ पे क्या है आपका कि साइड स्लोप कितना है, जैसे अगर आपको अगर साइड स्लोप दिया हुआ होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप 1:0.5 आप अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना, ये आपको अज्यूम करना है, गिवन है तो ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 0.5 गिवन है तो जेड की वैल्यू 0.5, अगर आपको यहाँ पे 1:1 गिवन है तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर आपको 1:1.5 गिवन है तो आपको यहाँ जेड की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, क्लियर है? तो एरिया का बेसिकली फॉर्मूला आपका ये होता है ए इज इक्वल टू बी डी प्लस जेड डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारे पास क्या क्या है एरिया के, देखे अगर हम उस कंडीशन में देखे तो ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली ऊपर यहां से, बी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, डी की वैल्यू हमने अज्यूम कर लिया, जेड की वैल्यू मार, तो क्या यहां से मैं बी कैलकुलेट कर सकता हूं, कर सकता हूं ना? यस सर। कैलकुलेट बी फ्रॉम ए इज इक्वल टू बी डी प्लस जेड डी स्क्वायर, क्योंकि सब चीजें गिवन है केवल बी को छोड़ के, तो बी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। चलिए जेड तो बेटा गिवन है ना साइड स्लोप में, अगर आपका 1:1.5 है तो जेड हो गया 0.5, अगर 1:1 है तो जेड हो गया आपका 1, अगर आपका 1:1.5 है तो जेड की वैल्यू होगी 1.5, क्लियर है? तो ये डिपेंड करेगा आपका साइड स्लोप, और अगर साइड स्लोप गिवन ही नहीं है तो यू हैव टू अज्यूम द साइड स्लोप ऑफ 1:0.5 या 1:1.5 का, क्लियर है? यस सर। चलिए हमने क्या करा, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली ए के फॉर्मूले में रख के, अब हम बात करते हैं हमको वेटेड पैरामीटर निकालना है, दैट इज द पी, तो P का आपका फॉर्मूला होता है वेटेड पैरामीटर का B प्लस √5D। अब आपके पास में B की वैल्यू भी आपने निकाल ली और D की वैल्यू भी आपने निकाल ली, B की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, D की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, तो P निकाल सकते हैं वेटेड पैरामीटर, और वेटेड पैरामीटर की हेल्प से हमको निकालना है R। R का मतलब मैंने बताया था हाइड्रोलिक मीन रेडियस A बाई P होता है, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया पहले ही, और पैरामीटर हमने एरिया हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, पेरीमीटर आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, तो R निकाल लेंगे यहाँ से, R इज इक्वल टू ए बाई पी। ये हाइड्रोलिक मीन क्यों निकाल रहे हैं हम R? हाइड्रोलिक मीन रेडियस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको कटर्स की उसमें गिवन है, ये कटर्स की जो इक्वेशन है उसमें हमको ये जो फॉर्मूला था आपका कटर्स का, यहाँ पे देखिए ये जो कटर्स का आपका फॉर्मूला है ना, यहाँ पे आपको एस तो साइड स्लोप है, एन हमको क्वेश्चन में गिवन है, बच्चा क्या आर कैलकुलेट करना है, तो आर हमारा होता है ए बाई पी, ठीक है, तो a बाई पी में मतलब r हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, r इज इक्वल टू ए बाई पी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? स्टेप नंबर 5 तक कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। सर स्टेप बाय स्टेप है, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए हमने r निकाल लिया, अब r की हेल्प से हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है, यहां हमने निकाला था वी नोट या वी के कह लीजिए, वी नोट कह लीजिए, वी नोट कहते हैं बेसिकली इसको, V नोट तो हमने निकाला क्रिटिकल वेलोसिटी, अब हमको निकालना है V एक्चुअल वेलोसिटी, और एक्चुअल वेलोसिटी निकालेंगे कटर्स के फॉर्मूले से,
कटर्स का फॉर्मूले से एक्चुअल वेलोसिटी निकालेंगे, या चेजीज का अगर गिवन है तो चेजीज की इक्वेशन आपकी ये होती है सी डॉट रूट आर एस। तो अगर आपको चेजीज का कॉफिशियंट सी की वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट सी की वैल्यू लिखिए, आर की वैल्यू यहाँ से लीजिए और एस की वैल्यू आपके पास में, तो डायरेक्ट एक्चुअल वेलोसिटी निकाल लीजिए चेजीज से। अगर चेजीज नहीं गिवन है आपका तो आपको कटर से निकालना होगा फॉर्मूला रख के, तो वो वी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। अब ये वी हमने निकाला है एक्चुअल वेलोसिटी, यहाँ जो वी निकाला था क्रिटिकल वेलोसिटी है। अगर आपका वी इज इक्वल टू वी नोट है, लगभग बराबर या बराबर है आपका वी नोट, तो आपका कैनाल की डिजाइनिंग सही है। आपको उतना ही बी लेना है जितना आपने कैलकुलेट करा है, और उतना ही आपको डी लेना है जितना आपने यहाँ अज्यूम करा है। लेकिन अगर आपका V इज इक्वल टू वी नोट नहीं है, V इज इक्वल टू वी नोट आपका अगर नहीं है, तो आपको वापस से दूसरा डी अज्यूम करना पड़ेगा और वापस से पूरी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। समझ में आया? इसलिए स्टेप सिक्स है कि डिटरमाइन द मीन वेलोसिटी फ्रॉम चेजी से कर लीजिए, कटर से कर लीजिए। अगर वी सी इज इक्वल टू वी के, यहाँ इसको वी सी चेजीज के लिए कर दिया, V इज इक्वल टू वी नोट तो ओके है। अगर आपका V इज इक्वल टू वी नोट नहीं है तो आपको फिर यहाँ D का दूसरा वैल्यू ज़ूम करके जब तक कैलकुलेट करना है जब तक आपका V इज इक्वल टू वी के नहीं आ जाए। जिस वैल्यू पे आपका V इज इक्वल टू वी के आ जाएगा, मतलब आपका वो D भी सही है, उतनी आपको डेप्थ लेनी है और उतनी आपको विड्थ लेनी है। यही हम कैलकुलेट करते हैं कोई भी सेक्शन डिजाइन करने के लिए। क्लियर है आपका? अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर मैं डी जो लिया है, मैंने लेट सपोज मैंने 1.2 मीटर लिया है, अब वो मेरा कम है कि ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ नीचे से पता चलेगा। अगर आपका जो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आपकी कम है और एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है, तो आपको डी को बढ़ाना है। 1.2 से आपको 1.3 लेना है, 1.4 लेना है, इस तरह से इसको बढ़ाना है। लेकिन अगर आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू एक्चुअल में वेलोसिटी से आपकी क्या है, हेलो यस सर, हाँ चलिए वो नेटवर्क की वजह से हो गया था, ठीक है। तो अगर आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा है तो उस केस में आपको डी को बढ़ाना है, और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू आपकी कम है तो यहाँ जो हमने 1.2 लिया था उसको हम 1.1109 इस तरह से लेके चलेंगे। यह आपका डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट था। क्लियर है सबको? मेथड समझ में आया? डिजाइनिंग प्रोसीजर छह स्टेप है, छह की जगह कई बार एग्जाम में आपका डिजाइनिंग कैनेडी की डिजाइनिंग स्टेप्स भी पूछता है और उसका न्यूमेरिकल, दोनों में से एक चीज कंफर्म है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। या तो इसके ऊपर प्रोसीजर पूछ लेगा ये स्टेप बाय स्टेप, या फिर इसका न्यूमेरिकल पूछ लेगा। क्लियर है आपको? कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। चलिए चलिए तो कल इसके बारे में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? इसका जो ये आज स्टेप हमने पढ़ी है इससे रिलेटेड कल न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको ये स्टेप्स और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? कैनेडी के बेसिस पे हम एक चैनल डिजाइन करके देखेंगे तो उसमें आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी एक बार। चले ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।